तो आज बात कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर। क्या है सर मैन जी, एक्सेल के अंदर में बेसिकली कैलकुलेशंस का दो तीन मीडियम है। जैसे कि यहां हमने कैलकुलेशंस के लिए मान लीजिए यहां पे दो नंबर है। अब दो नंबर को मुझे अगर ऐड करना है तो मेरे पास दो सिचुएशन है। पहली कि मैं इनको आपस में प्लस का सिंबल दे, दूसरी मैं यहां पे सम लगा। आप सोच रहे होंगे कि बेसिक चीज बता रहे हैं, लेकिन इसमें कंसेप्ट है, सोचिए सुनिए। जो सम का फॉर्मूला हमने लगाया ये इनबिल्ट फंक्शन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया इनबिल्ट फंक्शन है। अब इनबिल्ट फंक्शन होने के कारण इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेड रिजल्ट देगा, लिमिटेड इनपुट लेगा और लिमिटेड टाइप ऑफ द फॉर्मूला है। लेकिन जो हमने अभी प्लस का सिंबल लगाया ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब अपनी किसी भी तरह की कैलकुलेशन को इससे कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, किसी भी तरह का कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरे पास क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू है, तो क्वार्टर वन का सेल 60 है, क्वार्टर टू का सेल मान लीजिए 62 है। अब मुझे यहां पे ग्रोथ रेट चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट के लिए एक्सेल में फॉर्मूला हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ग्रोथ रेट के लिए मान लीजिए कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है कि लेटेस्ट मतलब कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, राइट सर, क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अब इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को यहां हम इंप्लीमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में, क्योंकि बोर्ड मास मेथड है तो ब्रैकेट में लेके जाना पड़ेगा। तो 62 माइनस 60 डिवाइड बाय 60, एंटर प्रेस कीजिए तो आपके सामने ये आ गया परसेंटेज। अब यहां परसेंटेज का सिंबल हम लगा देंगे तो पता चल जाएगा 3% की बढ़ोतरी हुई। अब इस तरह की जो कैलकुलेशन है इसके लिए फॉर्मूला अगर ना होगा, लेकिन उस कैलकुलेशन को आप अगर मैथमेटिकल ढंग से कर सकते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है मैंग जी। ओके सर, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए अब चलिए इसमें एक और कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास पी है, प्रिंसिपल है, रेट है, प्रिंसिपल है, रेट है और यहां पे टाइम है। प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, रेट मान लीजिए मेरा 8% का है और टाइम मान लीजिए मेरा जो है वो है 3 साल। अब मुझे इसमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शन है, बट हम इनबिल्ट फंक्शन ना यूज करके हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहां पे मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करने। तो मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + r/n पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, ओके। अब इस मेथड को यूज करते हैं। अब इस मेथड को यूज करने से एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो ये मेथड यूज किया तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशन है। अब इकट्ठा एक सेल पे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि आप तो चलो एक्सपर्ट है तो कर लें, लेकिन बहुत सारे लोगों से ना हो। तो कैलकुलेशन में ब्रेक मेथड होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सबसे पहले तोड़ के कैलकुलेशन कि आर जो है, आर को हमने डिवाइड किया एन मतलब कि 12 से।
अब एन ट्वेल्व मतलब कि मंथली कैलकुलेशन, फिर यहां पे वन प्लस इसको सिलेक्ट कर, तो वन प्लस आर डिवाइड बाय एन, फिर यहां वापस हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच में हम पावर दे रहे हैं, वापस फिर मल्टीप्लाई बाय 50,000 कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ गया 63,511। अब 63,511 जो आया है वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सारे कैलकुलेशंस को करने के बाद आया है। हम चाहते हैं कि ए एक सिंगल सेल पे आए, तो सिंगल सेल पे लाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ C12 के जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, हमें इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ D12 के वैल्यू को D13 के वैल्यू को कॉपी करते हैं और जहां D13 है उसके जगह पे ब्रैकेट में, याद रखिएगा हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट में हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं, वापस हम B12 को यहाँ लेंगे और यहाँ E13 के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको डिलीट कर सकते और फाइनली इसको सिलेक्ट करेंगे और जो रिजल्ट है उसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लेकिन ब्राइट। अब प्रॉब्लम है कि रिजल्ट तो हमें यहां चाहिए बट यहां दिख रहा है, तो यहां आप कॉपी करके पेस्ट मत कीजिए क्योंकि कॉपी करने पे आपकी जो रेफरेंस है वो रेफरेंस इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो यहां पर आप इसको कट करके फिर पेस्ट कर। आ गया समझ में आपको? जी सर। चलिए अब अगली टॉपिक आती है। अब कुछ लोग इस मेथड को देखने के बाद कहते हैं कि सर ये तो इजी था, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, बट अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं कि मेरे पास कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 है और जो रेट है मुझे इसमें एमआरपी निकालना है, एमआरपी, और एमआरपी निकालने का फॉर्मूला कोई नहीं है, हमें मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कि जो एमआरपी है इसकी 5% जो है निकाल के इसमें ऐड होता है और डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरर अपनी लागत का 5% का प्रॉफिट रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी लागत का 10% निकालता है और दे देता है इसको होलसेलर को, होलसेलर अपनी लागत का 15% कैलकुलेट करता है और किसको देता है, रिटेलर। रिटेलर क्या करता है, अपनी खरीद का 20% निकालता है और किसको दे देता है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की फाइनल प्राइस क्या हो गई, 79। ओके, क्लियर सर, विदाउट इसमें? नो सर। अब इन सारे को मुझे मर्ज करके एक सेल पे यहां लेके जाना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां जहां पे C17 के जगह पे इसकी फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, वापस हम इसको कॉपी करते हैं और यहां जहां C18 है उसके जगह पे इसकी फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, और यहां भी C18 है तो इसके जगह पे इसके फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, और उसके बाद यहां हम इसको कॉपी करेंगे
और जहां डी सेवनटीन है उसके जगह पे डी सेवनटीन का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और डी सेवनटीन को डिलीट करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट चेंज ना हो, अगर रिजल्ट चेंज हो रहा है मतलब आपने गलती की है तो आप अंडो कीजिए, रखिए कंट्रोल जेड कीजिए और वापस से कीजिए। तो डी एटीन के जगह पे इसके फॉर्मूला को हमने पेस्ट कर दिया और यहां भी हमने डी एटीन लिया, इसके जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, देन ई सिक्सटीन सेवनटीन को कॉपी किया और यहाँ पे ई सेवनटीन के जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और ई सेवनटीन को डिलीट कर देंगे। अगेन हम इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और जहां यहाँ पे है ई एटीन है, ई एटीन के जगह पे ई एटीन का फॉर्मूला डाला और यहाँ भी ई एटीन है तो ई एटीन के जगह पे फॉर्मूला हम डालेंगे और फिर इसको डिलीट करते हैं। और जहां पे ई एटीन है इसके फॉर्म जगह पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं सेवनटीन के जगह पे, इसको डिलीट कर देते हैं, देन इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब इतनी लंबी फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते, ना आप लिख सकते हैं ना हम लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब टाइम तो आता है प्रैक्टिस, मैंने यहां पे दो तीन कैलकुलेशन आपको बताई, अब आप अपनी मैथमेटिक्स की इक्वेशन को निकालिए और पांच सात कैलकुलेशन आप खुद कीजिए और करके मुझे भेजिए।